अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। हमने ब्रेक उसके बाद लेनी है जब आप मायरा को प्रपोज करेंगे। इन्हें की प्रपोज करना होते कपड़े पूरे नहीं। सर आजकल के हीरो ऐसे ही होते हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ कि नहीं होते हैं। ये कुर्ता नहीं कुर्ती है। कुर्ती है वही। ये लेटेस्ट बिलाल ने ट्रेंड एंड स्टाइल पहना हुआ है। वेरी गुड। तो थोड़ा लंबा भी हो इसलिए छोटा लग रहा है। चलो ये भी ठीक है। अच्छा ओके। वाओ। शादी करूं? Is that what you're gonna do? ये प्रपोजल है? वैसे होते हैं और क्या? इतना सा? I don't need sir. मैंने कभी प्रपोज किया नहीं है तो मुझे पता नहीं। मैंने कि if somebody is proposing like this, we need sir. Well, if it's somebody I like, yeah. then yeah, it doesn't matter how they propose. अच्छा, और वो ना भी प्रपोज करेगा, even then चलेगा? मायरा कितना अच्छा लगता है आपको के कितना फैंटेसी है वो कि somebody on knees in a very gentleman manner? What's a fantasy anymore? I think अच्छा मैं यहाँ पे सिर्फ बोलूँगा I think it needs to be more rather than knees और ये उधर थोड़ा अच्छा एक plan हो कि उसको जरा surprise मिले तो जरा वो you know what I'm trying to say? Yeah I can understand. Yeah. बिलाल अपना फ्यूचर प्लान जो है वो हम उसे डिस्कस कर रहे हैं कि मे बी जब कभी ऐसा होगा तो ऐसे होगा इस तरह होगा। आई थिंक आई डोंट नो आई जस्ट एम नॉट पता नहीं शायद इससे बड़ा जी पुराने दौर में ये जब ये मोबाइल नहीं आया था लड़कियां लड़के एक दूसरे को प्रपोज करते थे मोबाइल पे हेलो किधर हो नहीं तो आप क्या पहले शीशों से करते थे। अच्छा निस्कारे मार रहे छत में बेचारी कपड़े सुखाने गई है निस्कारे मार रहे लड़कियां गई भाई कौन है वे लांटी। अच्छा तो आजकल कहते हेलो किधर हो आओ ना गार्डन में आओ हाँ जल्दी करो मेरी बैटरी लो हो रही है और दूसरे दिन वो कहते मेरी करो तुम्हारी बैटरी लो हो जाती है वैसे वैसे मेरे लिए रोमांस इज ओल्ड रोमांस इज ओल्ड स्कूल होने से उससे भी शायद एक रह गया दोनों के लिए अब मैं दोनों के लिए रखूँ वो एक ही चूके रह गया है जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बताएं नो रिग्रेट्स नथिंग नो रिग्रेट्स नथिंग नो रिग्रेट्स एब्सोल्युटली नथिंग। सर आपको कभी जिंदगी में पछतावे का रोग लगा? बहुत दफा मैं कई दफा बाजार से आई पछतावा मैं तरबूज बड़ा क्यों ले आया मैंने झूठा लेना था। हाँ इस तरह के छोटे पछतावे जरूर है ठीक है तो हर कदम पे होते हैं ठीक है मैं उसको 10,000 रुपए ले आना था 5,000 लेता मैं उसको सही है बिल्कुल सही ओके तो हमने ले लिए ग्रेट अब फेयर एंड लवली देगी HD ग्लो अरे सर आप लोगों के लिए जेल तैयार है कौन कौन जाना चाहेगा? मैं जेल जाने के लिए तैयार मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ जज साहब ये रहे जज साहब जज साहब और मैं भी जा रही हूँ नहीं आप बाद में जाएंगे अच्छा पहले एक वक्त में एक बंदा जेल में जाएगा तो सुपरस्टार के समीर इस वक्त जेल में है ठीक है बिलाल अशरफ होना भी चाहिए अच्छा बिलाल अरे बिलाल जेल का आपका कोई एक कोई फैंटेसी सीन हो तो कैसे परफॉर्म करेंगे? बस मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा ऐसे ही खड़े ऐसे देखता रहूंगा इनको डायलॉग कहने का शौक नहीं है। अच्छा ये एक्सप्रेशन ये तस्वीर ले सकती हूं ये एक्सप्रेशन से काम चलाते हैं जी ये एक्सप्रेशन से काम चलाते हैं ये निगाहों का तीर चलाते हैं ओके बिलाल आप पर ये इल्जाम है कि आप रोमांटिक गाने गा गा कर मायरा को मुतासर करने की कोशिश करते रहे गाने बिल्कुल गाता रहा हूँ लेकिन गाने की आखिरी बोल खा जाता हूँ लिप सिंक आउट हो जाती है और इसलिए मैं यहाँ जेल में हूँ सच सच इज नॉट इवन
गाना भी अच्छा नहीं आपको गाना भी अच्छा नहीं गाते ना प्रपोज अच्छा करते हैं ना गाना अच्छा गाते हैं आपको लगता है कि आप इस सेंचुरी के चॉकलेट हीरो हैं? नहीं मुझे ऐसे नहीं लगता गलत कोई प्राउड नहीं है आप सेंचुरी बहुत बड़ी होती है बिल्कुल सही सोचते तो नहीं है बट आप इंतहाई भुलक्कड़ हैं आप पर ये इल्जाम है कि जब भी आप मायरा के सामने डायलॉग बोलने खड़े होते हैं उनको देख के आपको सारे डायलॉग भूल जाते हैं ये गलत है ओके मान लिया आपकी हीरोइन जो है वो आपकी वो कर रही है ये मुझे बताएं सवाल कौन आपको लेके दे रहा है बस ये सारे ऐसी अजम्पशंस है ना अच्छा आप पर इल्जाम है कि आप हर वक्त मायरा के साथ सेल्फी भी बनाते रहते ये थे। सही है अब मायरा है ही ऐसी कि इसके साथ सेल्फी बनानी पड़ती है क्या करें मेरी जगह कोई भी होता यही करता वेरी गुड बिलाल आप पर इल्जाम है कि आप सेट पर अपनी डांस मूव बार बार रिहर्स करके लोगों को बताना चाहते थे कि आप बहुत अच्छे डांसर हैं नहीं गलत आप अपने फोन को सबसे ज्यादा छुपा के रखते हैं नहीं मैं अपने फोन को सबसे ज्यादा छुपा के रखता हूँ नहीं मेरा फोन कभी किसी के हाथ में कभी किसी के हाथ में अच्छा जी आपने मायरा को इस फिल्म में इतना रोमांटिक सीन्स किए हैं कि आपको ख्वाबों में भी जब रोमांस का कोई होता है तो मायरा ही आती है हीरोइन के पास हीरोइन हो तो मायरा जैसी हो जज साहब मुजरिम के साथ के सामने जरा की है सर लेकिन छोड़ दिया जाए मुजरिम में बड़े अच्छे जवाब के पैसे लगे छोड़ दो बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बिलाल अशरफ और अब बारी आई माहिरा खान की सुपरस्टार की नूरी बिल्कुल सही हाँ माहिरा जी आप पर इल्जाम है कि आप शूट पर अक्सर लेट पहुंचती सर कभी कभार यार इतना अच्छा हीरो होना चाहिए सच में कह रहे कभी कभार ओके जी दूसरा इल्जाम है आपको लगता है कि फिल्म सुपरस्टार आपकी अपनी कहानी आपकी जाती कहानी मेरी अपनी हाँ। नहीं आप मतलब कि उस नूर और मुझ में है सिमिलैरिटीज कुछ कैरेक्टर की चीजें हैं लेकिन मेरी कहानी नहीं है मगर हाँ वो भी एक्टर है मैं भी एक्टर हूँ मगर नहीं इस फिल्म को साइन करने में आपने बहुत नखरे की जीरो नखरे ये भी पूछना है इससे कोई नखरे अच्छा एक इल्जाम ये भी है कि इस फिल्म में बिलाल अशरफ के हीरो होने पे आपको बहुत एतराज था नहीं गलत मैंने सिर्फ एक दफा पूछा आर यू श्योर यू वांट टू एक्ट विद मी नो इससे नहीं पूछा मैंने अपनी प्रोड्यूसर से पूछा आर यू श्योर ही सेड आई एम डेड श्योर बस अच्छा आपको अक्सर अपनी साथी हीरोइन से गिला रहता है कि वो आपकी तारीफ ही नहीं करती नहीं बहुत सारी करती हैं और जो नहीं करती वो मुझे जानती नहीं हाँ मुझे एक्चुअली लगता है कि जब मुझसे मिल लेंगी तो फिर वो ठीक हो जाएगी हाँ बिल्कुल सही ओके जी आप पर इल्जाम है कि आप हर काम में पहले ना करती हैं ताकि आपके नखरे मिलते तरले किए जाए और फिर आप मान जाते हैं नहीं लेकिन मैं हर चीज में ना जरूर करती हाँ that's my word that's your word ये कहना नो तो ये मुझे मैं खुद सोचती हूँ मैं क्यों ना कर रही हूँ जब मुझे करना है तो पहला रिएक्शन ना हो आप पे एक इल्जाम भी है कि आप बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है आपको हर शॉट के बाद ये लगता है कि मेरा मेकअप खराब हो गया मेरे बाल खराब हो गए अब मुझे दोबारा से मेकअप करना है बिल्कुल भी नहीं वेरी गुड अभी मैंने टाइम नहीं लिया कि मेकअप टाइम ब्यूटी टाइम ओके अच्छा जी आपको लगता है मायरा जी कि आपने जितनी अच्छी एक्टिंग की है जी. उतनी अच्छी एक्टिंग शायद कोई और एक्ट्रेस नहीं कर सकती नहीं मुझसे और बहुत अच्छी एक्ट्रेस बिल्कुल सही एक इल्जाम आप पे ये भी है कि आपको ये गिला है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए मुझे ये गिला है हाँ ये आपका इल्जाम है कि आपको ये गिला है हाँ कि अवार्ड मिलना चाहिए आपको
मुझे तो बहुत मिल चुकी है।